आज मैं आप लोगों को हाईनेक ब्लाउज पढ़ाने वाली हूँ। हाईनेक ब्लाउज मीन्स क्या, जहाँ पर आपकी कॉलर के जैसे वो नेक आता है, ठीक है, पीछे से पूरा पैक आएगा, नेक तो एकदम लग के वो ब्लाउज बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ्लैट स्टिच बनाया है, इस तरीके से वो ब्लाउज बनेगा। तो सबसे पहले तो आपने अभी तक जितने भी ड्राफ्टिंग वगैरह की है वो अभी तक इंचेस में की है, राइट। लेकिन अभी आपको जो भी आप ड्राफ्टिंग करोगे वो सेंटीमीटर्स में करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं सेंटीमीटर्स में, जैसे 80 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, फिर उसके बाद ब्लाउज लेंथ दी है 32 सेंटीमीटर, शोल्डर दी है 16 सेंटीमीटर, शोल्डर ये हाफ ऑफ शोल्डर दी है, ठीक है, ये हाफ दिया है। अगर शोल्डर फुल लेते हो तो 16 का आपको डबल करना पड़ेगा। देन उसके बाद स्लीव लेंथ दी है, ये सभी मेजरमेंट सेंटीमीटर में दिए है, और जो हम ड्राफ्टिंग भी करेंगे वो सेंटीमीटर से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम बैक देखते हैं। बैक के लिए आपको इस तरीके से 0 to 1 लेना है, आपकी ब्लाउज लेंथ जितनी भी रहेगी, ठीक है, उसमें 2 सेंटीमीटर ऐड करना है। सीम अलाउंस से समेत ब्लाउज के साथ साथ ही इसमें ऐड करते जाना है। तो 0 to 1 ब्लाउज लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर। देन उसके बाद 0 to 2 1/5 ऑफ चेस्ट प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी तक हम 1/4 ऑफ चेस्ट करते थे, तो अभी ब्लाउज में आपको मेजरमेंट थोड़ा कम लेना होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ब्लाउज में 6 या फिर 6.5 से ऊपर नहीं लेना होता है, तो ये मेजरमेंट आपको 1/5 ऑफ चेस्ट प्लस 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको 0 to 3 लेना है हाफ ऑफ शोल्डर, ठीक है। शोल्डर यहाँ पर हाफ मेजरमेंट ही दिया है, तो शोल्डर हम लेंगे प्लस उसमें 3 से 4 सेंटीमीटर ऐड करना है। 3 से 4 सेंटीमीटर क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमें कॉलर वाला ब्लाउज बनाना है, राइट। तो उसके लिए हमें शोल्डर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए 3 से 4 सेंटीमीटर हम उसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज हम 1 सेंटीमीटर उसमें ऐड करते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आपको लेना है 2 to 4 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें सीम अलाउंसेस हम ऐड कर चुके हैं, तो 2 to 4 लेना है 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 5 सेंटीमीटर। देन 1 to 5 भी 2 to 4 जितना ही लेंगे और स्क्वायर अक्रॉस कर देंगे, ठीक है, इतना समझ गया। फिर उसके बाद 0 to 3 जितना लिया है उतना ही 2 to 6 लेना है, मतलब हाफ ऑफ शोल्डर, शोल्डर का हाफ प्लस 3 से 4 सेंटीमीटर, और इसे इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद 0 to 7 आपको लेना है नेक विड्थ, 0 to 7 आएगा 1/12 ऑफ चेस्ट, ठीक है, जितना भी आता है उतना आपको यहाँ पर लेना है 1/12 ऑफ चेस्ट। देन उसके बाद 0 to 8 लेना है ऊपर की ओर, ठीक है, 0 to 8 1.5 सेंटीमीटर अप आपको ये ऊपर की ओर लेना है, ठीक है, और इस तरीके से नेक को ज्वाइन करना, ठीक है। देन उसके बाद 3 to 9 लेना है शोल्डर स्लोप, 2 सेंटीमीटर डाउन आना है शोल्डर स्लोप के लिए, और 8 to 9 को ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद आर्मोल का शेप लगाना है, जैसे हम हमेशा लगाते हैं 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन बनाते हैं, और वहां पर हम 2.5 सेंटीमीटर का एक मार्किंग लगाएंगे और आर्म होल का शेप लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया आपका बैक आर्म होल। देन उसके बाद 5 to 10 2 सेंटीमीटर इन, ठीक है, 2 सेंटीमीटर अंदर आना है, और 4 और 10 को ज्वाइन कर देना इस तरीके से, ठीक है। और बाकी जो हमारी लाइन कटिंग नहीं है उसे हम डॉटेड लाइन भी शो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको कटिंग लाइन और डॉटेड लाइन शो करेंगे, समझ गया। ये हो गया आपका बैक।